वक्त हम जा रहे हैं थल से जहाजबाड़ा की तरफ और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। लोगों की यहाँ पे हिम्मत है कि इतनी हाइट पे आके उन्होंने ये सारी अपनी जो कल्टीवेशन की हुई है ज़मीन, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह फसल तैयार हो रही है। मस्जिद देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मकई की फसल ये सब पंजाब के लोग पंजाब के यहाँ पे ट्रैवल करके आए और खेती बाड़ी के बारे में काफ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहाड़ों में भी अपनी फसल इस तरह मैनेज किया। इसके बारे में मैं ये कहूँगा मसूबे कि जो लोग जहाँ पे बसते हैं, ये आलू की फसल है जी, देखें आलू माशाल्लाह कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, तमाम लोग मिलकर यहाँ पे काम करते हैं और उन्होंने जस्ट अपना ही काम करना है और अपने घर के लिए करना है और अपने जो आने वाले वक्त है यानी कि जो सर्दियों का मौसम आता है जब बर्फबारी पड़ती है उसके लिए उन्होंने अभी से अनाज इकट्ठा करना है, जिसके लिए सब मिलकर काम करते हैं। तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि जो लोग जिस इलाके में रहते हैं फिर वो वहाँ पे रहने के तौर तरीके सीख जाते हैं कि वहाँ पे सरवाइव कैसे करना है उन्होंने। अब ये मैं क्योंकि रास्ता शॉर्ट है तो उसको हमें वेट करके रास्ता देना पड़ा गाड़ी को। अस्सलाम वालेकुम, एक और मस्जिद आ गई यहाँ पे। यहाँ पे देखा कि मस्जिद बहुत ज्यादा है, जहाँ पे दो चार अपनी मस्जिद बनाई। इसके मुकाबले में अगर आप उधर कैलाशपुरी साइड पे जाएं तो वहाँ पे मैंने कोई मस्जिद नहीं देखी और घुमराहट बहुत कम है। मैंने बताया कि जो लोग जिस इलाके में रहते हैं वो वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो नए तरीके सीखते हैं, नए तरीके अपनाते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वहाँ सर्वाइव करते हैं। अब देखें ना, हम जैसे लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये शहद का फार्म है, यहाँ पर ये शहद बनाया जा रहा है। लास्ट टाइम यहाँ तक हम पैदल आए हैं, इससे आगे तक बल्कि भी और भी रास्ता हम लोगों ने सारा रास्ता पैदल किया था। ये ऑलमोस्ट आई थिंक 2 आवर्स की ड्राइव पैदल वॉक थी। जी मैं वकास नगर से रास्ता यहाँ पर बैठे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंजरस बहुत लेकिन अगर आप इंजॉय करने हैं तो आपको डर को और शौक को भगाना पड़ेगा लेकिन सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी पे रखकर सिक्योर करके अपने आप को इंजॉय जरूर करें, डरें मत लेकिन सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेवलिंग और इंजॉय खूब करें ऐसा भी पॉसिबल हो जहाँ पॉसिबल हो इंजॉय करें इस कुदरत के हसीन नज़ारों को देखें और सुबह किस बुलंद करते रहें।